हेलो फ्रेंड्स, आज हम सिर्फ एक रुपए में मिलने वाले माचिस से अमेजिंग चीज़ें बनाने वाले हैं। और पहले हम बनाने वाले हैं एक स्मोक ग्रेनेड। उसके लिए आपको माचिस के साइड वाले पार्ट को ऐसे कट करके उसको दो माचिस के तीलियों के बीच में ऐसे टेप से अच्छे से चिपका लेना है और उसको माचिस के डिब्बे के अंदर ऐसे फिट कर लेना है। और अगरबत्ती को लेकर आपको तोड़कर माचिस के डिब्बे के अंदर ऐसे तीलियों को सजा के रख के उसके अंदर अगरबत्ती को डाल देना है। और होने के बाद आपको माचिस को अच्छे से बंद कर देना है। और हो गया तैयार हमारा स्मोक ग्रेनेड। अभी इसका हम टेस्ट करने वाले हैं। उसके लिए आपको माचिस के आगे वाले पार्ट को ऐसे पकड़ के खींचना पड़ेगा और उसको माचिस को आपको दूर फेंक देना पड़ेगा। और आप देख सकते हो उसके अंदर से कितना स्मोक निकल रहा है। दूसरा चीज़ है हमारा पैन फायर गन। उसके लिए आपको खाली पैन को ले लेना है और उसके अंदर ऐसे स्प्रिंग को घुसा के इसके कैप को बंद कर देना है। और आपको ऐसे एक ट्रिगर बना के पैन के ऊपर ऐसे फिट कर देना है। और होने के बाद आपको माचिस के डिब्बे के अंदर से दो तीलियों को निकाल के एक तीली को उसके अंदर ऐसे घुसा के तीली को उसके अंदर ही लॉक करके रख देना है। और एक तीली को आपको जला के वो आगे वाले माचिस को जला लेना है। और आप जब ट्रिगर को दबाओगे इसको स्लो मोशन में देखने से एकदम गजब लगेगा। और तीसरा चीज़ है हमारा तीली गन। उसके लिए आपको माचिस के साइड वाले पार्ट को कट कर लेना है। कट कर लेने के बाद आपको एक बोतल का कैप लेके उसके आगे और पीछे छेद करके स्ट्रो को घुसा देना है। और एक खाली पेन का रिफिल लेकर उसके पीछे ऐसे रबर बैंड को अच्छे से टेप से चिपका लेना है। और ये होने के बाद मैं जैसे इन सबको एक साथ लगा रहा हूँ आपको देख कर सेम ऐसे लगा लेना है। और हो गया हमारा तीली गन रेडी। उसके बाद आपको माचिस के बॉक्स से एक तीली निकाल के इसके अंदर डाल के पेन के रिफिल पीछे खींच के छोड़ने से इसको स्लो मोशन में देखने से एकदम गजब लगता है। और चौथा चीज़ है हमारा माचिस से बना हुआ फ्यूज़। उसके लिए एक स्ट्रॉ को आपको छोटा करके कट कर लेना है और एक माचिस के तीली को लेकर पतला तार को उसके ऊपर लपेट के ऐसे दो तारों से टेप से चिपका के लेना है। और उसके बाद इसको स्ट्रॉ के अंदर घुसा देना है। और होने के बाद आपको कुछ माचिस के तीलियों को लेकर उसके सामने से बारूद को निकाल लेना है। और बारूद को निकाल के उस स्ट्रॉ के अंदर इस सब बारूद को घुसा के फेविक्विक दे देना है। और हो गया हमारा माचिस से बना हुआ फ्यूज़ रेडी। इस फ्यूज़ को अब हम टेस्ट करेंगे। आप जब इस दो तारों को बैटरी से जोड़ोगे तो देखना क्या होता है। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।